दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन है वो आपको। सोलो फ्रेंड्स टेक्निकल में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एसेसिबिलिटी की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। यदि आप एसेसिबिलिटी सेटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते वीडियो को टिल एंड तक जरूर वॉच ताकि आप इसके बेनिफिट्स जान पाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए दोस्तों जानते हैं एसेसिबिलिटी की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है सेटिंग्स पे, स्लाइड अप करना है, बाद में हमें शो करेगा शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी, या तो हो सकता है आपको डायरेक्टली एसेसिबिलिटी शो करे तो हमें इस पे क्लिक करना है। फिर से एसेसिबिलिटी में हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें कुछ सेटिंग्स को अप्लाई करना है। क्या है वो सेटिंग, चलिए दोस्तों जानते हैं। तो जो पहले नंबर की सेटिंग है वो है हमारा टेक्स्ट इन डिस्प्ले। अगर हम इस पर क्लिक करते तो इसके अंदर हमें बहुत सारी सेटिंग देखने मिलेगी। अब इसे यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें देखने मिलेगा डिस्प्ले साइज़, हमें इस पर क्लिक करना है। अब हम इसके अंदर टेक्स्ट को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं मिनिमाइज करूँगा तो हमारा जो टेक्स्ट का साइज़ है वो इतना हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर मैं मीडियम रखूँगा जैसा कि स्टैंडर्ड मोड में मैं रखता हूँ तो इसका इतना साइज़ हो जाएगा अगर हम स्टैंडर्ड मोड में रखते हैं तो। अगर मैं इसे लार्जर साइज़ पे रखता हूँ तो हमारा जो टेक्स्ट का साइज़ है वो कुछ इतना हो जाएगा, आप देख सकते हैं। यानी कि ओरिजिनल जो टेक्स्ट था हमारा, जो पहले ऐसा टेक्स्ट था वो हमें शो करेगा। अगर हम इसे मैक्सिमाइज पूरा कर देंगे यानी कि लार्ज पे सेट करेंगे तो हमारा कुछ इतना टेक्स्ट का साइज़ हो जाएगा। लेकिन आप जिस भी टेक्स्ट में कंफर्टेबल है आप उसी टेक्स्ट साइज़ को सेट करिएगा। उसके बाद हमें देखने मिलेगा बोल्ड टेक्स्ट, जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक हो। हमें इसके बाद देखने मिलेगा रिमूव एनिमेशन, जिसे हमें ऑन करना है। इसे ऑन करने कोई भी ऐप में जो एनिमेशन है वो रिमूव हो जाएगी। जैसा कि कोई भी ऐप को हम ओपन करते हैं तो वो धीरे धीरे ओपन, लेकिन अभी हमने जो एनिमेशन है उस है जिससे कि जो भी ऐप हम ओपन करेंगे वो इमीडिएटली ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की सेटिंग के बारे में, जो कि हमें देखने मिलेगा डार्क थीम। हमें इस पर क्लिक करना है। फिर हमें देखने मिलेगा सनसेट टू सनराइज, यानी कि सुबह से शाम तक हमारा जो मोबाइल है वो डार्क थीम में कन्वर्टेड रहेगा। हम इसे चाहे तो कस्टम टाइम पे भी सेट कर सकते हैं। हमें स्टार्ट टू एंड टाइमिंग टाइप करना है, जैसे कि रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक हमारा जो फ़ोन है वो डार्क थीम में कन्वर्टेड रहेगा, बाद में ये हट जाएगा। तो हम इन दोनों में से कोई भी एक शेड्यूल को सेट करके हम इसे डार्क थीम पे सेट कर सकते हैं। यानी कि हमें जो सेटिंग्स है डार्क थीम की उसे ऑन करना है और उसके बाद हमें डार्क थीम को ऑन करना है। अब दोस्तों हम डार्क थीम को ऑन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल में जो डार्क थीम है वो ऑन हो चुका है और ये तभी ऑफ होगा जब हमारा शेड्यूल टाइम एंड होगा, तब ये डार्क थीम ऑफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम इसे ऑफ रखेंगे बिकॉज मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की सेटिंग के बारे में, जो हमें देखने मिलेगी सिस्टम कंट्रोल्स में। इस पर हमें क्लिक करना है, बाद में हमें देखने मिलेगा पावर बटन एंड कॉल। इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी का भी कॉल आता है और अगर आप रिसीव करते हैं उसके बाद अगर आप कॉल कट करना होता है तो आप रेड बटन का यूज़ करते हैं। लेकिन आप इस सेटिंग को अगर ऑन करते हैं तो ऑनली पावर बटन का यूज़ करना है और जो कॉल है वो इमीडिएटली कट हो जाएगा। तो हम इसे कर लेते हैं ऑन। अब हम बात करते हैं चौथी नंबर की सेटिंग के बारे में, जो कि है ऑडियो एडजस्टमेंट। इसमें हमें क्लिक करना है, बाद में हमें देखने मिलेगा मोनो ऑडियो। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि हम अगर एयरफोन यूज़ करते हैं तो हमें पता होगा कि एयरफोन में दोनों साइड से ऑडियो सुनाई देती है, लेकिन अगर हम ऑडियो को बैलेंस करेंगे, जैसे कि हमें देखने मिलेगा मोनो ऑडियो के नीचे ऑडियो बैलेंस, अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो कोई भी एक साइड से हमें ऑडियो सुनाई देगी। जैसा कि अगर हम लेफ्ट पे रखेंगे तो हमें लेफ्ट साइड से आवाज आएगी, अगर हम राइट पे रखेंगे तो हमें राइट साइड से आवाज आएगी, लेकिन अगर हम इसे मिडल पे रखते हैं तो हमें आवाज़ दोनों जगह से आएगी, यानी कि 100% वॉल्यूम सुनाई देगा। लेकिन इससे हमारा ईयर्स ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा है,
हम इसके लिए वॉल्यूम बटन का यूज, एयरफोन ऑडियो है उसे बैलेंस कर सकते। ऑडियो बैलेंस करने के बाद मोनो ऑडियो को ऑन करना है, जिससे जो साउंड है उसे फुल वॉल्यूम पर सुन। तो ये है हमारे एक्सेसिबिलिटी की कुछ सेटिंग्स जिसे हमें ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।